वेलकम टू रशीद आरजीडी चैनल। आज की इस एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम बैकग्राउंड रिमूव करना सीखेंगे, और बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम आज चैनल लेयर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यहां से लेयर पैनल में आकर चैनल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहां से ब्लू वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और हमको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हम कंट्रोल एल को प्रेस करेंगे और यहां से इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। यहां से हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि ब्लैक वाला एरिया जो है वो मज़ीद ब्लैक हो जाए, और इस साइड से हम वाइट वाले एरिया को मज़ीद वाइट करेंगे कुछ इस तरह, और यहां से इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहां से कंट्रोल प्रेस करते हुए यहां पर क्लिक करेंगे और इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन करने के बाद यहां पर हम लेयर मास्क पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक अल्फा चैनल आ जाएगा, और इस चैनल को हम यहां से इस सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल डी, डी के साथ डी सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम यहां से इसको बंद करेंगे, और यहां से हम ये अल्फा चैनल पे आएंगे और ऊपर वाले चैनल को हम बंद कर लेंगे। और उसके बाद हम अल्फा चैनल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से ब्रश को इस्तेमाल करेंगे। ब्रश को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले यहां पर ब्रश की सेटिंग देखनी होगी। यहां पर इसका सेटिंग ओवरले होना चाहिए और ओपेसिटी 100%, फ्लो 100%, और उसके बाद यहां से हम इसको वाइट को ऊपर कर लेंगे और यहां से वाइट एरिया पे हम ब्रश इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम वाइट एरिया पे ब्रश इस्तेमाल करेंगे, यहां पर जो वाइट में हल्का हल्का डार्कनेस है वो ख़त्म होता जाएगा, और इस तरह हम मुकम्मल जहां जहां हमको दिख रहा है कि यहां पर ब्लैक है और उसको हम हटाएंगे यहां से कुछ इस तरह, और उसके बाद हम यहां से इन्वर्स कर लेंगे, यहां पर ब्लैक को ऊपर करेंगे और ब्लैक वाले हिस्से पे हम ब्रश को इस्तेमाल करेंगे। जहां पर सफ़ेद सफ़ेद वाइट आ रहा है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारा सिलेक्शन अच्छी तरह हो जाए। यहाँ पर सिर्फ ब्लैक पे ये काम कर रहा है क्योंकि हमने लेयर और लेयर सेलेक्ट किया हुआ है, उसकी वजह से हमारा सिर्फ सिलेक्शन अभी ब्लैक पे काम कर रहा है, ब्रश वाइट पे बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है। ये ब्रश इस्तेमाल करने के बाद यहाँ से हम अल्फा चैनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कंट्रोल प्रेस करके अल्फा चैनल पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सिलेक्शन आ जाएगा। उसके बाद हम यहां पर लेयर पे आ जाएंगे, और लेयर पे आने के बाद हम यहां से मास्क पे क्लिक करेंगे, एड मास्क पे क्लिक करेंगे, ये हमारा मास्किंग एड हो गया, और इसको हम यहां से कंट्रोल आई प्रेस करके हमारा देखें बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। और मज़ीद आपको जूम करके दिखा दूं, बड़ी अच्छे तरीके से हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ये मेथड था ट्री का, इस तरह का ट्री का आपको अगर बैकग्राउंड मिल रहा हो, वहाँ का बैकग्राउंड हटाना हो, तो हम चैनल मास्किंग इस्तेमाल करते हुए बड़े अच्छे तरीके से हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज का वीडियो यहाँ तक, तो शुक्रिया, खुदा हाफिज़।